हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं शालीन भनोट और ईशा सिंह के शो बेकाबू के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं, कलर्स टीवी से सीरियल हो गया था ऑफ एयर, यानी कि टीवी से ऑफ एयर हो गया था और इसे भेज दिया गया था ओटीटी पर, जियो सिनेमा पे शिफ्ट कर दिया गया था। टीवी पर बंद होने के बाद इसके फैंस इसको इंजॉय कर रहे हैं जियो सिनेमा पर। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जियो सिनेमा पे भेजा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पर आता ही रहेगा। जियो सिनेमा पे भेजा जा रहा है तो इसके लिमिटेड वाले एपिसोड्स कंप्लीट करने के लिए, और शो का जो ऑफ एयर होना था वो तो निश्चिंत था ही आने वाले टाइम में। तो गाइस, आपको बता दूं कि बेकाबू सीरियल ऑफ एयर जाने वाला है आने वाले दिनों में, और बेसिकली अगस्त में ऑफ एयर चला जाएगा। यानी कि इसके जो लास्ट एपिसोड्स हैं उनके करीब आप जा रहे हैं, और अगले महीने इसका लास्ट एपिसोड आपको देखने को मिल जाएगा जो कि जियो सिनेमा पे प्रीमियर हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि टीवी से तो बंद हो ही गया था, और जो आप जियो सिनेमा पे इसको एंजॉय कर रहे हैं वो भी जल्द ही नहीं कर पाएंगे। तो बैड न्यूज़ है बेकाबू के फैंस के लिए, बिकॉज सीरियल ओटीटी से जियो सिनेमा से भी ऑफ एयर जा रहा है, बंद हो रहा है। शो का टाइम हो गया है अब ख़त्म होने का। टेम्परेरी एपिसोड्स दिखाने के लिए उसे भेज दिया गया था जियो सिनेमा पर, जैसे कि ट्रीटमेंट तेरे इश्क में घायल सीरियल को भी दी गई थी। तो इससे एक फ़ायदा हो जाता है कि सीरियल एकदम से एब्रप्टली एंड नहीं होता, और फैंस को प्रॉपर एंडिंग मिल पाती है, और मेकर्स भी शो को एक प्रॉपर एंडिंग दे पाते हैं। तो कलर्स टीवी से ऑफर करके जियो सिनेमा पे इसी करके इसको भेजा गया था, और अब अगले महीने जियो सिनेमा से भी सीरियल बंद हो जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे, मैंने आपको बताया था शालीन भनोट को ऑलरेडी काफ़ी ऑफर्स मिल रहे हैं अपने नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए, और एक काफ़ी बड़ी सीरीज़ के साथ भी वो करेंटली उनका नाम अटैच्ड है, यानी कि उनके साथ काफ़ी एक्टिव डिस्कशंस चल रही हैं। और वो सीरीज़ की डिटेल्स भी मैंने आपको दी थी अपने एक वीडियो में कुछ टाइम पहले, जब कलर्स से बंद हुआ था बेकाबू। तो गाइस, बाकी शालीन भनोट और ईशा सिंह फ्यूचर में कौन से नए प्रोजेक्ट्स करते हैं, और करेंटली बेकाबू पे अगर कोई भी अपडेट होगा और कलर्स टीवी की भी सारी न्यूज़, ये सब पाने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।